2022 में ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हैं जो गांव के युवा खेती किसानी छोड़कर गांव में शुरू कर सकते हैं। भारत की 70% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण आबादी में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये माना जाता है कि देश का 50% युवा गांव में निवास करता है। गांव में सबसे अधिक आमदनी का जरिया केवल खेती किसानी ही होती है। अगर कोई व्यक्ति गांव से बाहर निकलता है काम के सिलसिले में, तो उसे तकरीबन 10,000 प्रतिमाह के हिसाब से सैलरी मिलती है। यदि किसी व्यक्ति में बहुत अधिक काबिलियत है तभी वो अच्छी सैलरी पा सकता है। कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि गांव के किसी युवा का शोषण हुआ। इसके चलते इन ग्रामीण युवाओं को काफी समस्याएं आती हैं। उस समय इनके मन में यही विचार आता है कि इससे तो अच्छा कि गांव में कोई छोटा मोटा काम कर लेते तो अच्छा रहता। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गांव के युवा खेती किसानी छोड़कर गांव में कौन कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फसल और सब्जी ढोने, सवारी ढोने का काम यानी कि लोकल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। आमतौर पर खेतों से 3 फसलें ली जाती हैं। इन फसलों को मंडी तक ले जाना होता है। इसके अलावा अब नकदी फसलों का भी तेजी से चलन बढ़ गया है। सब्जी और फल की खेती को नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसलों के लिए तो रोजाना मंडी और शहर का आना जाना लगा रहता है। इसके साथ गांव में कई ऐसी चीजों की जरूरत होती है जिनको बाजार से रोजाना ही लाना होता है। जैसे गांव में खुली अनेक खुदरा सामान की दुकानों के दुकानदारों के लिए रोजाना जरूरत की चीजें भी बाजार से गांव तक आती हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को गांव से बाजार, कोर्ट, कचहरी और अन्य काम से पास के कस्बे और शहर में आने जाने का काम भी होता है। कहने का मतलब ये है कि गांव से माल ढोने और यात्रियों को ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लाभकारी साबित हो सकता है। कोई भी युवा ये काम करेगा तो उसे रोजाना अच्छी आमदनी हो सकती है। इस काम को शुरू करने के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहिए। इससे बिजनेस को शुरू करने की लागत कम आएगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। अब अगर कहा जाए कि इस काम में मेहनत बहुत है, तो पैसे कमाने के लिए कोई भी बिजनेस करने में मेहनत करनी पड़ती है। इस बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में घाटा होने की संभावना बहुत कम है। ये सदाबहार बिजनेस है। इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि जब तक पहिया घूमता है तब तक रुपया यानी पैसा आता रहता है। खाद और बीज गोदाम का बिजनेस। गांव में रहकर युवाओं द्वारा बीज और खाद का गोदाम खोलने का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। अब खेती किसानी पहले जैसी नहीं रह गई है कि साल में 3 फसलें मुश्किल से होती थी। कोई कोई किसान तो 2 ही फसल लेकर फुर्सत पा लेता था। साथ ही पहले ऐसा होता था कि एक एरिया में एक ही तरह की फसल होती थी। यदि किसी खास एरिया में गेहूं की फसल होती थी तो पूरे एरिया के किसान केवल गेहूं ही पैदा करते थे। उसमें सब्जी, फल या दलहन की फसल कोई नहीं लेता था। आज जमाना बदल गया है। प्रत्येक गांव में तरह तरह की खेती होती है। कुछ किसान यदि गेहूं, दलहन की ठोस फसल की खेती करते हैं तो कुछ नकदी फसल की खेती करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बदलते जमाने में किसान ने खेती में भी तरक्की की है और साल में 4-4 फसलें ली जाती हैं। इन फसलों में जहां अनाज दलहन तो पैदा किए ही जाते हैं, वहीं फल सब्जी के साथ साथ फूलों की भी खेती की जाने लगी है। इन सब बातों का मतलब ये है कि आज की खेती में तमाम तरह की फसलों के उगाने के प्रचलन के कारण बीज और खाद की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। यदि ऐसी दशा में खेती में अनुभवी युवा यदि बीज और खाद का गोदाम खोलता है तो उसे काफी अच्छी आमदनी हो सकती है। ये बिजनेस सदाबहार बिजनेस है और इस बिजनेस को सदाबहार बनाने के लिए बिजनेसमैन युवा को नए नए बीजों के बारे में किसानों को जानकारी देनी होगी। कृषि टूल्स की मरम्मत, वेल्डिंग और फैब्रिकेशन का काम। आजकल खेती किसानी पुराने जमाने की तरह नहीं रह गई है, जब सारी खेती बैलों और हल और पाटे से हो जाया करती थी। बाद के बाकी सारे काम किसान को खुद अपने हाथ से करने पड़ते थे। आजकल गांव का युवा गांव में खेती किसानी के काम करने की जगह शहर में जाकर कोई सा भी काम करना पसंद करता है। इसलिए गांव में युवाओं और सस्ते श्रम की भी कमी रह गई है। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो भी खेती किसानी के मेहनत वाले काम नहीं करना चाहते। इसका विकल्प यही निकाला गया है कि अधिक से अधिक मशीनों से काम करके खेती को आधुनिक बनाया जाए। इसके अलावा अब पुरानी परंपरागत खेती की अपेक्षा आधुनिक खेती में मशीनों की बहुत भारी डिमांड है, क्योंकि अब तरह तरह के प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाली खेती होती है। इसमें अनेक तरह के कृषि यंत्रों का इस्तेमाल होता है। जहां पहले बैलों से खेती होती थी उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। ट्रैक्टर और ट्रॉली ने किसानों को अनेक तरह के काम दे दिए हैं। इसके अलावा कृषि के काम आने वाले यंत्रों में पावर वीडर, हैप्पी सीडर, डिबलर, तवेदार हैरो, जीरो टिल सीड कल्टीवेटर, मिट्टी पलटने वाला हल यानी कि मोल्ड बोर ट्रैक्टर,
रोटावेटर जिसे रोटरी टिलर भी कहते हैं आदि हैं। इसके अलावा कई अन्य छोटे मोटे यंत्र भी खेती के काम आते हैं। इन यंत्रों की उस देखभाल और रखरखाव में लापरवाही और आलस के कारण इन यंत्रों में मिट्टी और पानी से जंग आदि लगने के कारण व्यवसायिक तरीके से अधिक इस्तेमाल होने के कारण खराबी आने लगती है। उसके लिए किसानों को शहर भागना पड़ता है। वहां इनको सुधारने वालों के पास कृषि यंत्रों की रेलम पेल लगी रहती है। किसानों को अपने कृषि यंत्रों को ठीक कराने के लिए इंतजार तो करना ही पड़ता है, साथ ही बार बार गांव से शहर के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए गांव में इस बिजनेस का काफी अच्छा स्कोप है। थोड़ी सी ट्रेनिंग करके, मशीनों आदि की व्यवस्था करके ये काम करना युवाओं के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। कृषि यंत्र की मरम्मत से जुड़ा वेल्डिंग और फैब्रिकेशन आदि का काम भी किया जा सकता है। डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग यानी कि दूध, दही, घी, पनीर आदि का व्यापार, ये काम गांव से आसानी से किया जा सकता है। गांव से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर कस्बा और शहर होता है। कस्बे, शहर आदि में डेयरी प्रोडक्ट की भारी मांग रहती है। गांव की अपेक्षा इन जगहों पर डेयरी प्रोडक्ट के पैसे भी अच्छे मिलते हैं। ये काम भले ही थोड़ा मेहनत मशक्कत वाला है, लेकिन ये काम सदाबहार है और इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। इस काम में पैसे भी अधिक नहीं लगाने पड़ते। गांव में रहने वाले युवाओं की गांव में इतनी तो साख होती है कि वहां के लोग अपनी गाय भैंस का दूध उसे आसानी से दे सकते हैं और बिकने के बाद उससे पैसे ले सकते हैं। युवा को एक वाहन की आवश्यकता होगी। यदि गांव से नजदीकी शहर और कस्बे की दूरी 5 से 7 किलोमीटर दूर है तो उसे शुरू में साइकिल से काम चलाना चाहिए। अगर दूरी अधिक है तो उसे मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। आजकल मोटरसाइकिल भी लोन पर यानी फाइनेंस पर मिल जाती है। इसके लिए थोड़े से ही पैसों की जरूरत होती है। इसमें मेहनत के साथ ईमानदारी की भी जरूरत है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके पैसे भी मार्केट में अच्छे मिलेंगे। ग्राहकों की बात क्या ही करें, एक बार आपका प्रोडक्ट किसी के मन को भाग गया ना, तो वो आपसे अधिक से अधिक माल खरीदने की कोशिश करेगा। इस समय आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत अच्छी लेनी चाहिए, अधिक नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके बिजनेस की डिमांड बनी रहेगी। टेलरिंग। शहरों में रेडीमेड गारमेंट का चलन हो गया है, लेकिन गांव में अभी इस तरह का प्रचलन नहीं हो पाया है। वहां अधिकांश लोग, महिला हो या पुरुष, सभी कपड़े खरीदकर सिलवाना पसंद करते हैं। वहां पर टेलरिंग का काम आसानी से किया जा सकता है। शुरू शुरू में थोड़े दिनों तक सिलाई का काम ट्रेनिंग करके या किसी सिलाई की दुकान में काम करके सीखा जा सकता है। एक बार अच्छा अभ्यास होने पर सिलाई मशीन लेकर अपना काम शुरू किया जा सकता है। त्योहारों पर आज भी टेलरिंग के काम की बहुत अधिक डिमांड रहती है। इस काम का लाभ ये भी है कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हाथ बटा सकती हैं, जिससे आमदनी अच्छी खासी हो सकती है। खुदरा दुकान का बिजनेस। गांव में अनाज और सब्जी के अलावा गृहस्थी में काम आने वाली अनेक चीजों की जरूरत होती है। इसके लिए गांव के लोगों को शहर भागना पड़ता है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। यदि लोगों की जरूरत के सामान की दुकान गांव में ही खोल ली जाए तो वो काफी चलेगी। बस आपको दुकान चलाने का तरीका आता हो और दाल में नमक जैसा फायदा लेने की सोचें, तभी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, वरना नहीं। इसके लिए आप अपने घर के कमरे में ही दुकान खोल सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो 2-3 हजार रुपए की लकड़ी की दुकान बनाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा सामान लाएं। जैसे जैसे आमदनी होती जाए, आप लोगों की डिमांड के अनुरूप सामान बढ़ाते जाएं। कुछ दिनों बाद आपकी दुकान अच्छी खासी दुकान बन जाएगी। मोबाइल रिपेयरिंग और रिचार्ज। शहर हो, कस्बा हो या फिर गांव हो, आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल तो होता ही है। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उसके पास एंड्रॉइड फोन ही हो, क्योंकि अब यह सूचना देने या टेलीफोन देने वाला एक साधारण यंत्र नहीं रह गया है, बल्कि आम आदमी की जरूरत बन गया है। सुबह से रात तक ये मोबाइल फोन अनेक तरह के काम आता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मतलब कहने का यही है कि मोबाइल धारकों की संख्या अधिक है। मोबाइल समय समय पर खराब भी होते रहते हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए शहरों की दुकानों का सहारा लेना पड़ता है। मोबाइल सिम और टीवी सर्विस का रिचार्ज भी कराना होता है तो गांव से शहर भागना होता है। ऐसी स्थिति में मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखकर कोई भी युवा गांव में शॉप खोलता है तो उसके लिए काफी अच्छे चांसेस होते हैं। साइकिल और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का बिजनेस। गांव में लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल होती है, भले ही इसमें से 50% पुरानी हो या रीसेल से खरीदी गई हो। यदि किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल तो जरूर ही होती है। इसका कारण ये है कि दिन भर में ऐसे कई काम निकलते हैं जिनके लिए गांव के लोगों को कम से कम 2 या 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। कुछ काम इतने अर्जेंट होते हैं कि उनके लिए पैदल नहीं जाया जा सकता, इसलिए इन कामों के लिए आपको वाहन तो रखना ही होगा।
वाहन रखे जाते हैं और अधिकांशतः पुराने वाहन रखे जाते हैं, तो उनमें खराबी भी अक्सर आती रहती है। इसके लिए गांव में सुविधा मिल जाए तो गांव वाले खुश हो जाएंगे और काम करने वाले को अच्छी खासी आमदनी भी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।